सिनेमा हॉल बंद हैं तब से स्थिति बहुत ही दयनीय है। धीरे धीरे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में सारी व्यवस्थाएं शुरू कर रही है सरकार, तो सिनेमा हॉलों को भी चालू कर दे जिससे हम लोगों की जीविकोपार्जन हो सके, क्योंकि मालिक भी बहुत परेशान है, सैलरी भी वो कहाँ से दें। धीरे धीरे 6 महीने होने जा रहे हैं, सैलरी भी वो स्टाफ को कहाँ दे से दें और स्टाफ भी बहुत परेशान है। तो इसलिए सरकार से हमारी यही गुजारिश है, अनुरोध है कि सिनेमा हॉलों को भी धीरे धीरे खोल दें जिससे हम लोगों का जीविकोपार्जन भी शुरू हो सके। एक शो में लगभग कितने लोग आ जाते हैं? हमारे यहाँ 1000 सीटें हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में हम पालन करेंगे, आराम से ज़्यादा मतलब 150 ऐसे लोग आते हैं, ज़्यादा आते नहीं हैं। अगर 4-4, 6-6, 10-10 सीटें छोड़ के भी बैठा लेंगे तो भी हमारी सीटें फुल नहीं हो पाएंगी, इतना गैप देगा। सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था है हमारे पास, हम गेट पे एंट्री ही सैनिटाइज कराने के बाद ही अंदर लेंगे। और सिंगल स्क्रीन सिनेमा होने के नाते ज़्यादा दर्शक भी नहीं आते हैं, लेकिन ये है कि खर्चा चलता रहता है, स्टाफ का वेतन भी निकलता रहता है धीरे धीरे, इसलिए हमारी सरकार से यही कामना है कि जल्दी से जल्दी सिनेमाओं को शुरू कर दे, पहले सितंबर से ही शुरू कर दे। यहाँ का जो स्टाफ है इस वक्त वो क्या कर रहा है? यहाँ का स्टाफ इस समय भुखमरी के कगार पर है, बहुत ही तरीके की मजदूरी में कोई काम ही नहीं मिल रहा है, कोई काम नहीं मिल रहा है। और अब सब चला जाए स्टाफ तो एकदम से नया स्टाफ कहाँ से आ जाएगा? आ भी आएगा पर वो पैसे अपने हिसाब से भी मांगेगा, नया स्टाफ होगा सीखा हुआ भी नहीं होगा, और जाएगा तो जाएगा भी कहाँ, कामों की हर जगह ऐसी ही प्रक्रिया है, इसलिए जो है अति शीघ्र जो है चालू करा दिए जाना है। अनिल कुमार शर्मा मेरा नाम है, कुमार टाकेज बरेली। 5 महीने बंद ही रहे सरिमा, और लॉकडाउन के चक्कर में तो कुछ दिनों तक तो बिल्कुल ही नहीं आए थे आदमी, क्योंकि बिल्कुल लॉकडाउन लगा था, इसलिए आदमी का आना घर से निकलना बिल्कुल वो था कि जरूर कोई काम तो निकले वरना ना निकले। पर जब से ये लॉकडाउन हटा है, मार्केट खुली, तब से हम लोगों ने आना शुरू किया है। नहीं, कर्मचारी आते हैं अपना, जैसे हम आते हैं दो, वेतन सबको वेतन दे रहे हैं, वो सबको दे रहे हैं, एक यही सरिमा है जो सबको वेतन दे रहा है। अब नहीं हो रहा तो मालिक अपने पास से दे रहे हैं। हाँ, अब जी देखिए, पहले तो डिक्लेयर किया था उन्होंने 5 अगस्त को ही सिल्म में खुलने का डिक्लेयर किया था, लेकिन उसके बाद में जब स्थिति बिगड़ी तो उन्होंने फिर आगे डेट बढ़ाई है। अब देखिए सरकार कब इसका निर्णय लेती है सिल्मों का। सोशल डिस्टेंसिंग का ये है कि जैसे हमारी आगे 120 सीटें हैं, तो आगे 120 सीटों में जो है 20-25 आदमी मुश्किल से आते हैं, और पीछे 509 है फैमिली क्लास में, उसमें भी 15-20 आदमी अगर आ गए, बालकनी में 103 है तो उसमें 5-6 ऐसे आदमी आते हैं, तो 120 में अगर 25 भी आदमी आ गए तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का आराम से पालन हो जाएगा, कोई सी बात ही नहीं है। सैनिटाइजर के लिए जैसे ये गेट है, जो आदमी जब यहाँ से घुसेगा यही उसके फिर हाथ वगैरह यहीं जो कुछ है उसका करा जाएगा। वजह है सिनेमा टैच तो फिर वो मालिक लोग और जो जैसे प्रशासन का जो भी आदेश होगा उस हिसाब से ही होगा, वो तो फिर जो प्रशासन आदेश देगा। मांग ये है कि जल्द से जल्द सिनेमा खोला जाए और कर्मचारी भी अपना लगे, टाइम नहीं कटता, आदमी परेशान है आजकल हर आदमी लॉकडाउन के अंदर, और रोज़गार बढ़ेगा, सबका ही रोज़गार बढ़ेगा उसके अंदर ही। ऐसा है ना, हम जब सिनेमा चलेगा, पिक्चर लगेंगी, ऑडियंस आएगा, 4 पैसे जब सबके पास आएंगे, मालिक के पास भी आएंगे, तो वही अपना खर्चा देखेंगे, उनको भी सहूलियत मिलेगी, और उसी के हिसाब से लेबर का भी चलेगा और सबको आगे चल के रोज़गार उपलब्ध होगा, सब कर्मचारी अपने अपने काम पर लौट के आएंगे।